जिस पल हम किसी से बहस करने लग जाते हैं तो उसी पल सामने वाला व्यक्ति अपने पक्ष के लिए तर्क वितर्क कुतर्क सब खोज करके परोस देता है। लेकिन जैसे ही हम किसी को समझना शुरू कर देते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमें समझना शुरू कर देता है। नारायण गुरु जी ने भी इसी परंपरा का, इसी मर्यादा का हमेशा पालन किया। वो दूसरों की भावनाओं को समझते थे और फिर अपनी बात समझाने का प्रयास करते थे। वो समाज में उस वातावरण को निर्माण करते थे कि समाज खुद ही सही तर्कों के साथ अपने आप सुधार की प्रक्रिया में जुट जाता था। जब हम समाज में सुधार के इस मार्ग पर चलते हैं तो फिर समाज में स्वयं सुधार की एक शक्ति भी जागृत हो जाती है। अब जैसे हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, कानून तो पहले भी थे लेकिन बेटियों की संख्या में सुधार हाल ही के कुछ वर्षों में हो पाया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सरकार ने समाज को सही बात के लिए प्रेरित किया, सही वातावरण तैयार किया। लोगों को भी जब लगा कि सरकार सही कर रही है तो स्थितियों में तेजी से सुधार भी आने लग जाता है और सच्चे अर्थ में सबका प्रयास उसके फल नजर आते हैं। समाज में सुधार का यही तरीका है और ये मार्ग हम जितना श्री नारायण गुरु को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनको समझते हैं, उतना ही वो स्पष्ट होता चला जाता है।